कथा, इतनी तरफ माता सती के लिए फिर जाकर क्यों नहीं ले आते उन्हें? मुझे आपकी व्यवस्था समझ में नहीं आ रही महादेव, और अब तो समय भी बहुत कम बचा है। दक्ष माता सती का विवाह किसी और से करने जा रहा है महादेव। यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, आपको माता के पास जाना ही होगा। आज आपको सती का निर्णय करना ही होगा महादेव। जानती कि आपकी ऐसी कौन सी विवशता है जो आपको सती से दूर रख रही है। मैं सती का जीवन मांगने भी नहीं आई, केवल इतना कहने आई हूं कि यदि आप सती को अपना नहीं सकते तो उसे मृत्यु दे दीजिए। संहार के देवता पर इतना उपकार तो कर ही सकते हैं, कम से कम हर पल की मृत्यु से तो बच जाएगी। आप तो शत्रु का भी कल्याण करते हैं, फिर सती तो आपकी प्रेमिका है, क्या उसे आप? सती की चिंता मुझे भी है देवी, आप जाइए, सती का कल्याण अवश्य होगा। सती से विवाह करने के लिए तैयार है? काल के गर्भ में क्या छिपा है ये तो आने वाला कल ही बताएगा, परंतु अब सती का अहित नहीं होगा, ये वचन है मेरा, ये वचन। आप चाहिए
किंतु महादेव, आप सती का कल्याण कैसे करेंगे? आप तो शिव रूप में सती के सामने नहीं जा सकते। तो मनुष्य बनकर जाऊंगा। आपने ही तो कहा था ब्रह्मदेव, सती मेरा उत्तरदायित्व है। अब मैं अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगा। सती के लिए अब शिव को मनुष्य बनना पड़ेगा। प्रभु, आपने आज मेरा मन प्रसन्न कर दिया। महादेव, मन प्रसन्न कर दिया। मेरी माता कैलाश आएगी। प्रभु प्रभु, आपके सुख सुविधा में मेरी चूक हो सकती है, परंतु माता को तनिक भी कष्ट नहीं होने दूंगा, तनिक भी कष्ट नहीं होने दूंगा। आप धन्य है, धन्य है प्रभु। मेरा मन झूम रहा है महादेव, झूम रहा है। आज तो समूची प्रकृति झूम उठेगी महादेव। नहीं ब्रह्मदेव, मैं सती के हित के लिए मनुष्य अवश्य बनूंगा, परंतु सत्य तो यही है, सती अभी मुझसे मिलन के योग्य नहीं हुई है। परंतु सत्य ये भी है कि सती मेरा ही हिस्सा है। चोट उसे लगती है, पीड़ा मुझे होती है। मैंने सदैव सती से प्रेम किया और सदैव उससे प्रेम करता रहूंगा, किंतु मैं विवश हूं। मैं सती के प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकता। आप तो जानते हैं ब्रह्मदेव, यदि अयोग्य सती को स्वीकार किया तो परिणाम कितना भयंकर होगा। सती को इस भयानक कष्ट से बचाने के लिए ही मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा। परंतु एक सत्य यह भी है, सती के बिना मैं सुखी नहीं हूं। ये शिव सती के बिना अपूर्ण है, आधा है, अधूरा है, और ये अधूरापन मुझे तब तक ढोना होगा जब तक सती शिव से मिलन के योग्य नहीं हो जाए। शिव को सती से मिलन की प्रतीक्षा है, किंतु मैं तब तक सती को असहाय नहीं छोड़ सकता। उदासीनता के सागर में डूबता हुआ नहीं देख सकता मैं उसे। सती अकेले इस दुख से बाहर नहीं आ पाई, जो जाने अनजाने में मैंने ही उसे दिया। प्रेम कर्तव्य के बिना अधूरा होता है। मैंने सती से प्रेम किया है, अब मैं मनुष्य बनकर अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं सती के पास अवश्य जाऊंगा।